टाइम एवर पाकिस्तानी फूड ब्लॉगर इन इंडिया। देखो कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। सर भैया अगर मार देता तो वो फिर नहीं मारेगा। इतना रश है यार के चल जाएगा। क्या नाम है? भैया क्या हाल है? सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। हम जा रहे हैं सबसे मशहूर जगह, ना सिर्फ भाई दिल्ली की बल्कि इंडिया की, ऐसे ही है भाई। और बहुत ही बढ़िया भाई मेरे साथ है, बड़े प्रोफेशनल उबर ड्राइवर हैं, राहुल भाई। राहुल नाम तो जानते ही हो गए हैं, कुछ कुछ होता है कितनी फिल्मों में भाई आपको लोग, लेकिन नाम बड़ा यार फिल्मी है। राहुल भाई बड़ा मार्शास लगा के प्रोफेशनल तरीके से ऊपर चलाते हैं, क्या बात है। राहुल भाई हो कहाँ के आप? यूपी का। यूपी का गए मिर्जापुर? नहीं भैया, मैं अम्बेडकर नगर का हूँ। कहाँ पे? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर कितना दूर है मिर्जापुर? मिर्जापुर तो भैया यहीं से वहाँ से हुआ मान के चलो 200 किलोमीटर गया। बस 200 किलोमीटर तो मिर्जापुर से हम 200 किलोमीटर दूर है। तब आपको दिखाते चांदनी चौक जाते हुए रास्ता, आधा घंटा दूर है हमारे घर से। ये लड़ाई हो गई भाई, गाड़ी वाड़ी ठुक गई है, बाइक वाले ने ठोक दी गाड़ी। ये भाई शुरू हो गया ओल्ड दिल्ली का एरिया, अब हम एंट्री ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम एवर भाई हम आपको दिखाने लगे हैं, मतलब मेरे लिए एटलीस्ट, क्या बात। और ओल्ड दिल्ली की खासियत ये है कि यहाँ पे वो साइकिल रिक्शा चलता है भाई, है ना? वो बस यही चलता है ना, और तो कहीं नहीं देखा मैंने। ये इलेक्ट्रिक पे जा रहे हैं। हाँ ये देखो भाई, हाँ एक एक साइकिल रिक्शा इलेक्ट्रिक वाला भी खड़ा हुआ है, ये खड़े वो हौले हौले से आवाज चलती है वाला। और ये शाहरुख खान का घर यहाँ कहाँ होता था? शाहरुख खान का तो भैया पुरानी दिल्ली की तरफ है ना, अंदर की तरफ। हाँ यही है ना पुरानी दिल्ली, यही तो है। हाँ हाँ देखो कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से, कुत्ते भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग से। यार कुत्ता वैसे वाकई ज़ेब्रा क्रॉसिंग। राहुल भाई ट्रैफिक का पालन कर रहा है भाई। ये देखो कैसे ऑर्गेनाइज तरीके से पुरानी दिल्ली, ये देखो वॉल सिटी। क्या है ये? हाँ अच्छा ये पीछे वाली साइड, मैं तो उधर से चांदनी चौक वाला साइड देखा था, वो तो बहुत भीड़ भाड़ वाला है भाई। ये साइड वाला है। अच्छा 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 इसके पीछे है। ओके लो भाई ये ऐतिहासिक लाल किला, और वो देखे ऊपर तिरंगा। भैया आपका क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक राजपूत, यही था वो बंदा जिसे मैं ढूंढ रहा था। अभिषेक भाई कैसे हो? बढ़िया भाई। ये अभिषेक भाई कह रहा है यहाँ बंदे बंदे को जानता हूँ मैं, फिकर ना करो, कोई यहाँ पे गाइड चाहिए कोई चीज चाहिए सब पता है भैया आपको है। ये देखो भैया बहुत रश है, बहुत रश है भैया, क्या बात है। ये देखो भैया हम तो राहुल भैया के साथ टैक्सी में आया है, ठीक है, लेकिन राहुल भैया मेट्रो सीधी सीधी आती है। मेट्रो आपको चेंज करना पड़ेगा। ओ अच्छा, जहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई टिपिकल चांदनी चौक का ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है। राहुल भैया ने कहा मत बोलो ऐसे कि ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, फंस जाओगे, और वही हुआ, खड़े हुए वो खड़े चले गए वो। आप राहुल भैया कह रहे हैं मेरा रोज का, राहुल भाई रोज का काम है यहाँ पे आना है। हाँ जी भैया रोज का है भाई, रोज का है, ये ऐसे कोई टेंशन नहीं है। तो अगर कोई परेशान हो रहा है कि यार ये फंस गए तो परेशान नहीं होना। ये देखो ये देखो निकाल दी राहुल भैया बीच से। राहुल भैया अगर मार देता तो वो फिर नहीं मारेगा। चांदनी चौक अल मशहूर चांदनी चौक, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक से क्या था बना भैया, वो चांदनी के चमचे से चटनी चटाई वाला आई। चंदू की चाची ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी की चम्मच से चटनी चटाई। ये है भाई ये मशहूर भाई। इस टाइम मैं मौजूद हूँ द वन एंड ओनली लेजेंडरी, क्या कहूँ इस जगह को, चांदनी चौक। ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में जगह मशहूर है। वो क्या था, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में पता नहीं क्या चटनियां चटाई। तुमसे ना हो पाएगा जो भी था,
लेकिन अभी इतनी दुकानें हैं यार, ये आप रश देख सकते हैं। ये वो जो है हौले हौले से हवा चलती है, भाई है, इनके साथ अनुष्का शर्मा भी आई थी, लेकिन ये नाराज हो गए हैं, भाई नहीं बात करते। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं अगर अनुष्का शर्मा मेरे साथ बैठती सेट हो जाते हैं, काम सेट हो जाता आपका। भाई क्या नाम है आपका? प्रकाश। अच्छा भाई, यहाँ बड़ी फेमस एक दुकान है जलेबी वाली, बगासी, क्या नाम है दुकान का? जलेबी वाले। जलेबी वाले 100 साल पुरानी है तकरीबन, 100 साल पुरानी है। खाते हैं, चेक कराते हैं, यहाँ 100 तरह के खाने हैं, तो देखते हैं यहाँ के खाने कैसे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मीठे से, हालांकि मीठे से स्टार्ट होता नहीं है, फिर भी करते हैं। आए मुझे फॉलो करें, मैं दिखाता हूँ। इतना रश है यार के ये है लेजेंडरी जलेबी वाला, समोसे वाला। तो अब आपको दिखाते हैं क्या है ये। देखो भाई, ओल्ड जलेबी वाला, द फेमस, द लेजेंडरी। अच्छा दुकान इन्होंने वही रखी हुई है, ये नहीं कि 4-5 दुकानें कर दी, वही छोटी सी शॉप है। और ये भैया फैमिली का इनका बिजनेस है, और इनके जलेबी और समोसे वाला। ये देखो भैया बैठे हैं ऐसे, सीसीटीवी, छोटी सी दुकान है, सीसीटीवी का भी लगाया हुआ है इन्होंने। 1884। अरे भाई ये तो दादा भी नहीं हमारे घर में पैदा हुए थे तब की दुकान है। क्या नाम है भैया उनका? नैन चंद जैन जी के। देखे जो उन्होंने आपको वो दिया था टेस्ट, वो आज तक बरकरार है भाई, क्या बात है। नैन चंद जैन जी, वो देखे उनकी तस्वीर लगी हुई है, तो हाइजीनिक बड़ा ख्याल रखते हैं। कितना साफ तेल है, देखे भाई कितना साफ है यार, घी है ये देखे भाई, घी इतना साफ सुथरा रखा हुआ है। हालांकि सारा दिन जलेबियां बनती है, और ये शीरा है जिसमें जलेबियां मीठी होती है, तो आपको दिखाते हैं अभी यार क्या सीन है। भाई मैं वहां चला गया जलेबी लेने, वो कहता लाइन में लगो, तो ये वो सीन नहीं है, गए और मिल गई। तो यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सब बराबर है, कोई सीन नहीं है। तो 8-10 बंदों की लाइन है, जैसी लाइन खत्म होती है फिर आप जलेबी भी लेंगे, समोसा भी लेंगे, और आपको टेस्ट कराएंगे। ये बड़ी डिफरेंट तरह की, अभी ऐसी खाई नहीं मैंने लाइफ में। बहुत रश है भैया, बड़ी देर में बारी आई है, अभी नहीं आई, अभी है 4-5 लोग। तो इनकी स्पेशलिटी है भाई ये जलेबी और समोसा, और जलेबी के ऊपर ये क्रीम व्रीम डाल के देते हैं, ये वाली देखो, ये वाली। एक तो ऐसी जलेबी भी खाई ऊपर से, पता नहीं ऊपर क्या डाल दिया, रबड़ी वाली। तो भाई ये ट्राई करते हैं, देखते हैं आपको बताते हैं क्या है। फिर चम्मच से नहीं, हाथ से यार, हाथ से करेंगे भाई। ओए बहुत मोटी है भैया जलेबी, और ये रबड़ी। भैया की स्कूटी इस्तेमाल कर रहे थे। ओए भैया, अब पता नहीं ये भैया की मोहब्बत है, हमारी मोहब्बत नहीं, इनकी मोहब्बत है, लेकिन आपका भी प्यार है भाई, आपकी स्कूटी का भी है, वो जगह का भी असर पड़ता है। तो भाई इनकी स्कूटी पे रख के खाया, मजा दुबारा हो गया, क्या बात है सर। तो आप जरा एक टेस्ट करें फिर बताएं जरा क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया जी, ओल्ड इज गोल्ड है, और देसी घी के मजे हैं, देसी घी के। अच्छा ये स्वीट भी बड़ी बराबर की स्वीट है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है, बहुत हाँ स्वीट जो इसमें ऊपर ये डला हुआ है रबड़ी, ये भी ज्यादा स्वीट नहीं है, स्वीट नहीं है, ये बात है यार। ये भाई पुराने यार, कब से आ रहे हैं? मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यार, मेरी तरह ही है यार। अच्छा फिर तो आप सही रिव्यू दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये दिल्ली गई है? हाँ। ये दिल्ली गई यार, लेकिन दिल्ली के होके पहली दफा आ रहे हैं। अच्छा चलो खैर, रेगुलर नहीं आए हुए, ये तो बहुत साल पहले आए, बहुत साल याद ही नहीं, रिसेंटली अभी आए भाई, इससे दिल नहीं भर रहा। हालांकि मैं मीठे का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन दिस इज समथिंग एल्स यार। ओए होए होए, इस भाई ने कहा था खाओगे तो उंगलियां चाटोगे, मैं क्या ऐसे ही बात रहा, सही कह रहा है ये वाला भाई, सही है ये भी। अच्छा भाई ये दो इनके समोसे हैं, एक आलू वाला एक मटर वाला, तो हम दोनों ट्राई करेंगे। जलेबी तो भाई मैं कहता हूँ नंबर ही नंबर देना ना इंसाफी है भाई, क्योंकि तो जितना है वो जबरदस्त है। अब समोसा खाते लेकिन देखते हैं वो वर्थ इट है या नहीं। सबसे पहले हम खाएंगे आलू वाला। ओए होए 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 भाई, यहाँ वीडियो बनाना भी मसला है, ट्रैफिक जाम चीजें भाई, यहाँ लेना समोसे वो तो एक आर्ट है ही है, तो खाना भी एक आर्ट है। ये देख ले क्या हो रहा है, किसी की बाइक यूज कर रहा हूं मैं। मटर वाला आलू वाला ज्यादा अच्छा। तो पहला एक्सपीरियंस चांदनी चौक का बहुत बढ़िया रहा, आलू वाला।
तो आई होप आप आएंगे, आपने एंजॉय की होगी वीडियो। ये जो एनवायरनमेंट है ना, असल नंबर उसके हैं भाई, जिलेबी बहुत अच्छी थी। तो अब हम चलते हैं अगली जगह। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और इस बंदे जो है ना, इसने क्या आपका चल जाएगा चैनल, ऐसे ही चल जाएगा, चल जाएगा। क्या नाम है? यार ये कह रहा ऋतिक, वो नाम का ऋतिक है, असल ऋतिक ये है, ये स्टाइल वाला देख है जबरदस्त। ये भाई नए मूवी यार, क्या क्या खाए बंदा यार, प्योर वेज है वायरल। ये देख सकते हैं इनके समोसे, छोले भटूरे। हमेशा से मुझे अच्छी लगती है कि भाई बड़े शहर जो होते हैं ना, वो आपके वो ना अपने रंग में रंगना जो है ना, वो शुरू कर देते हैं। वहाँ का जो एक लाइफस्टाइल होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा लुभाता है। और खासतौर पर शहर अगर दिल्ली जैसा हो या मुंबई जैसा हो, तो मेरा ख्याल है भाई वो एक अलग ही वाइब होती है। और मैं ये बात बोलूंगी कि हम लोगों ने इतने सारे ब्लॉग्स देखे हैं दिल्ली के, और इवन के जिसमें चांदनी चौक, रेड फोर्ट एरिया, मतलब लेकिन हर ब्लॉग में ना हम लोग को एक अलग ही मजा आता है देखने का। और मैं वैसे इस चीज से अग्री करूंगी कि जो वाइब एक्चुअल में होती है ना, वो वहां के रहने वाले लोगों की होती सही है। बात है। तो जिस तरह से हम लोग इंडिया के बड़े बड़े स्पेशली शहरों को देखते हैं कि वो इतने बिजी प्लेसेस हैं, और जैसे वहां पर गहमा गहमी आपको नजर आती है, चाहे वो शॉपिंग एरिया है या फिर वो खाने पीने। यार वैसे ना मैंने ये देखा है कि यार साफ सुथरा माहौल है। वो जो वेज फूड वाला भी था ना, उसका भी आयल जो है वो जो घी था वो भी साफ सुथरा था और हाइजीनिक था। और दूसरा जो समोसे वाला था वो तो बिल्कुल साफ रखा हुआ था उसने भी। यही चीज है कि वहां पे सफाई का जो है ना वो खास ख्याल रखा जाता है। ऐसी दुकानों पे जो है वो क्या कह रहे हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर जो है ना वो काम करते हैं अच्छा वहाँ पे। हाँ, क्योंकि लग रहा है जिस तरह मतलब वो दिखा रहे थे ऑयल, और इतना साफ नहीं देखा अगर शॉप पे, यहाँ पाकिस्तान में होता तो। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आउटडोर काला स्याह हुआ पड़ा होता, जैसे गाड़ी का डीजल निकालते हैं वैसे हो जाता है। अब तेल की बात करते हैं, बर्तन जिसमें अब बात है यार, मुशी भाई कमाल कर दिया, और क्या जबरदस्त रिव्यू है होता है उनका। देसी घी में 100 साल पुरानी दुकान है, और देसी घी में जलेबियां बना रही है, उसके ऊपर रबड़ी डाल रही है, ऐसी हमने अभी तक कोई नहीं खाई है। और मटर वाला समोसा भी कोई नहीं खाया। और आज समोसे से याद आ गया, हमारे यहाँ पे एक तांदलिया वाला है, साथ ही हमारे सिटी है छोटा सा, तो वहां से इतफाकन एक दोस्त ने ना समोसे मंगवाए। तो जब समोसे मंगवाए तो मैंने कहा इतनी दूर से समोसे और कैसे आ गए। उन्होंने कहा इसमें देखे अभी इंडिया ये कितने दिनों से व्लॉग्स डाल रहे हैं, अभी थोड़ी सी जगह भी कवर नहीं हो पाई, और खाने तो इतने हैं कि खाते रहोगे इंसान को साल चाहिए, इंसान खत्म हो जाएगा, खाने और जगह भी खत्म होगी। मुझे ना मजे की बात लगी थी, वैसे तो मुझे जलेबी पसंद नहीं है लेकिन वो कितनी, लेकिन जिस तरह बताया था ना कि सब कुछ एक दरमियाना रखा हुआ ना, बहुत मीठी है रबड़ी भी, और जिस तरह वो जिस भाई की बाइक पे रख के खा रहे थे वो भी आगे बाद में उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया ना, तो एक वो प्यार मोहब्बत देखे किस तरह से, एक ऑन स्पॉट बात हुई, दोस्ती हुई, और दोनों ने मिलके अपना रिव्यू भी दिया, खाया भी। और कह रहे थे कि अच्छा जो सही नंबर है वो एटमॉस्फेयर के, हाँ कि लोग बहुत इंजॉय करते हैं हम आपके व्लॉग्स को, क्योंकि आपके व्लॉग्स में फन भी होता है, कॉमेडी भी होती है, नई नई ह्यूमर होता है, और उसके अलावा डिशेस होती हैं। अभी आज मुझे भी ये पहली दफा पता चला है कि समोसे जो मटर वाला समोसा भी होता है, आलू वाला, चिकन वाला, सब्जी वाला होता है, सब्जी का समोसा होता है, और नूडल्स वाले भी बनते हैं इंडिया में तो, लेकिन मटर वाला पहली बार मैंने सुना है। तो ये मटर वाला समोसा कैसा होता है, लाइक मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये भी अगर किसी ने खाया है तो वो जरूर बताए, और अगर कोई उधर से भेज सकता है, यार ये वाघा बॉर्डर है यार, चलते हैं जाके कोई उधर से आ जाए हमें दो प्लेट बना दे। वो मुझे याद आ गई मूवी जिसमें वो कहता है कि मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ इमरान अब्बास की, तो वो कहता है अच्छा